प्रकार का विग्रह है यहाँ पर, और नीचे यहीं पर ही मानसी देवी का मंदिर है, और इस तरफ ब्रह्म कुंड है। बहुत सारे स्थान है यहाँ पर, और सभी स्थानों का अपना बहुत अधिक विशेष महात्म्य है। हमारे गुरुदेव प्रत्येक वर्ष हम लोगों को यहाँ पर ला करके बहुत सारी कथाओं का श्रवण कराते थे, किंतु अभी समय के अभाव के कारण, और दूसरा महाराज जी इत्यादि ने संध्या के समय में दिल्ली भी लौटना है, और ये लोग पहले मानसी गंगा से होकर के भी गए हैं, इसलिए अभी हम अधिक देर यहाँ पर नहीं रुक करके उद्धव कुंड पे जाकर के ही एक साथ में कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। देखो, जो व्यक्ति ब्रजमंडल परिक्रमा कर लेते हैं, जैसे कृष्ण भक्ति करने से सब देवा देवियों का और सारे अवतारों का भक्ति हो जाती है, उसी तरह ही जो ब्रज धाम है ये कृष्ण का अपना धाम है। अगर कोई ब्रज धाम परिक्रमा कर ली, समझो विश्व ब्रह्मांड में ऐसे कोई तीर्थ नहीं जो तीर्थ को आपने नहीं किया। इसलिए कहते ना, तीर्थ सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के कैली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी की द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए अगर यहाँ पर कोई परिक्रमा कर ले, विश्व ब्रह्मांड परिक्रमा हो जाती है। ये जो मानसी गंगा है, समझो विश्व ब्रह्मांड के जितने सारे तीर्थ है, वो सबके सब कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए ये सबके सब ब्रजमंडल में उपस्थित हुए हैं। एक समय सारे ब्रजवासी सोच रहे थे, जैसे दशहरा आती है, सबके सब गंगा में स्नान करने के लिए चाहते हैं, सबके सारे ब्रजवासी तैयारी हुए, चलो हम सबके सब गंगा स्नान करने जाएंगे। अभी कृष्ण सोच रहे, देखो ब्रजवासी इतने भोले वाले, देखो क्योंकि यहाँ पर जो ऐश्वर्य माधुर्य को डटा हुआ है, इसलिए कृष्ण सोच रहे, भैया ये गंगा कौन है, कहती है मेरी चरणामृत। बोले किसकी चरणामृत है? बोले मेरे अंशों का अंशों का अंशों का जो अंश श्री वामन देव, कृष्ण से अभिन्न बलदेव, बलदेव से शंकर सन, शंकर सन से फिर वहां पर कारण तो साई, गर्भ तो साई, खिरो तो साई, कारण तो साई से सारा बता जाते हैं। इसलिए गंगा कौन होगी? वामन देव का चरणामृत। लेकिन अगर नंद बाबा अगर मेरे को बोले कन्या तेरा खड़ाऊ ले आओ, मैं जिनको खड़ाऊ को सर पर लेकर के आता हूँ, मैया जसना मेरे कान पकड़ती हैं, हैं? जिस सखाओं को मैं झूठन खाती हूँ, जिस गोपियों के चरण में हा हा खाते हुए उनके प्रेम की मैं भिक्षा मांगती हूँ। लेकिन ये ब्रजवासी देखो कितने कितने भोले वाले, ये कहते गंगा में नहाने करने के लिए जाएंगे। भैया ये तो गंगा मेरी दासी है, हैं? मेरी दासी, मेरे अंशों का दासी, इसलिए गंगा में नहाने। देखो ये कितने भोले वाली। इतने में कृष्ण ने कहा, भैया कहाँ जाना चाह रहे हो? बोले हम तो सबके सब चाहते हैं जाकर गंगा में स्नान करके आए। बोले भैया गंगा तो यहीं पर है। बोले कहाँ पर? बोले आओ मेरे साथ में। तो ब्रजवासियों को कृष्ण यहीं पर लेकर के आए, और इन्होंने अपना मन मन में उन्होंने गंगा जी को स्मरण किया। स्मरण करते ही गंगा कलकल नाद से, जी उधर से ना, उधर से धारा आई है, पर उधर से कलकल नाद करते हुए गंगा स्वयं यहाँ प्रकट हो गई, और मकर वाहन के ऊपर में सख्यात गंगा देवी यहाँ प्रकट हुई, और उन्होंने गंगा देवी को सब दर्शन नहीं किया, मैंने गंगा देवी सारे ब्रजवासियों को दर्शन किया, क्योंकि ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं, ये कोई ब्रज साधारण नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो गंगा है वामन देव का चरणामृत, लेकिन ये गंगा कौन है? बोले कृष्ण का मन से प्रकट हुई, इसलिए उसी गंगा से भी ज्यादा महत्व है कभी ये मानस गंगा की। अगर यहाँ पर कोई आचमन कोई स्नान कर ले, वो गंगा से भी ज्यादा महत्व है। इसलिए देखना सब जगह में गिरिराज गोवर्धन को ऊंचा देखोगे, लेकिन यहाँ ऊंचा नहीं देखोगे, यहाँ नीचा देखोगे। बोले क्यों? कहते जब सारे ब्रजवासी स्नान किए, अभी गिरिराज जी सोच रहे, भैया ये तो एक हरिदास वर्ज, मैं क्यों बाकी रह जाऊं, मैं भी गोता लगा लूं। इसलिए देखना यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन अब वहां से दर्शन करो, थे कोई सौंदर्य श्री गिरिराज गोवर्धन अभी यहाँ पर मानसी गंगा में यह भी गोता लगाए। इसलिए कहते ये ब्रजधाम को परिक्रमा करने पर विश्व ब्रह्मांड के सारे तीर्थ में अपनी आप आपका स्नान करना हो जाते हैं, पर कहीं जाने का जरूरत नहीं। प्रभु जी बता रहे थे कि जो स्थान है यही स्थान है जहाँ पर कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। ये जो मंदिर है ना, प्रभु जी बता रहे थे ना, जैसे कृष्ण जिस स्वरूप में गिरिराज को उठाए, ये मंदिर में देखना इसी स्वरूप में कृष्ण गिरिराज को धारण किया है, हाँ? इसलिए ये हरिदेव है। इसलिए कहते चार देव है, एक है वृंदावन में गोविंद देव, और गिरिराज गोवर्धन में हरिदेव,
और दाऊ जी में मथुरा में केशवदेव। इसलिए यदि कृष्ण यहीं पर ही खड़े होकर के उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को अपना कनिष्ठ अंगुल पर धारण किया था और यहीं पर ही सारे ब्रजवासी गिरिराज को आश्रय लेते हुए और कृष्ण की जो इच्छा थी ब्रजवासियों को साथ में मैं सात सात दिन तक इनको साथ में लीला विलास करूं, यहीं पर उन्होंने इच्छा को पूरी की थी। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी का इसे कोई वस्तु नहीं, ब्रह्मांड के सारे तीर्थ देवा देवी सबके सब ब्रजमंडल में आए। इसलिए अगर आप लोग गिरिराज की परिक्रमा करोगे समझो विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ परिक्रमा हो गया है, क्योंकि राधा जी की चरण में सारे तीर्थ की निवास यहीं पर है। इसलिए यहाँ पर बहुत समय चली जाएगी, इसलिए हम लोग उद्धव कुंड में बैठे करके सारी कथा सुनेंगे। ठीक है, घर जाके सब बोलना, चार धाम करके आए, घर जाके सब बोलना, हम चार धाम कर आए। हाँ, सब प्रभु जी कह रहे हैं घर में जाकर बोलना हम सबके सब चार धाम करे गए। चार धाम नहीं, विश्व ब्रह्मांड में अयोध्या मथुरा माया काशी काशी अयोध्या धरावती उस सबके सब यही पर है। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सबके सब यही पर है। सबके सब यही पर होने का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा, सब लोगों को पता है ये बात कि सारे के सारे तीर्थ जो है यहाँ पर आकर के उपस्थित नहीं होते। जैसे गंगा देवी हरिद्वार से आकर के यहाँ पर नहीं उपस्थित हुई, बल्कि गुरुदेव विचार बताते थे कि श्रीधाम नवद्वीप और इधर श्रीधाम ब्रज मंडल, यहाँ पर क्या है, जैसे कृष्ण सभी अवतारों के क्या है, अवतारी, कृष्ण अवतारी हैं सारे के सारे अवतारों के। और श्रीमती राधा रानी कौन है? जितनी सारी शक्तियां हैं उन सबकी अवतारी हैं। जिस प्रकार से राधा जी अवतारी हैं, कृष्ण अवतार हैं, उसी प्रकार से सभी तीर्थों के जो अवतारी हैं वो इस ब्रज मंडल में ही वास्तविक रूप में हैं। और यहीं से ही पुष्कर हो, हरिद्वार हो, काशी हो, अयोध्या हो, सबका मूल स्थान यहीं पर है, यहीं से ही वो प्रकटित होते हैं, ना कि वो वहां से आकर के यहां पर प्रकटित होते हैं। वास्तविक रूप में प्रकटित यहीं पर ही होते हैं और जाते हैं किसी और स्थान पर। इसे लोग क्या बोलते हैं, हरिद्वार में गंगा है, किंतु और कहां पर है, गंगोत्री से प्रकाशित होती है, किंतु वास्तविक गंगोत्री वहां पर नहीं है, वास्तविक हरिद्वार वहां नहीं है, वास्तविक प्रयाग यहां पर नहीं है। इसलिए आदि बद्री, आदि केदार, आदि गंगा, आदि जितने भी सारे तीर्थ हैं, पुष्कर इत्यादि वास्तविक रूप में कहां पर हैं, यहीं पर ही हैं। और यहां से वो प्रकाशित होकर के भगवान की किसी सेवा को करने के उद्देश्य से कहीं और प्रकटित होते हैं। बोल प्रेमानंदे।